भाइयों और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाभ सब तक पहुंचे, जो विकास संतुलित हो, जो सबके लिए हितकारी हो, और ये बात वही समझ सकता है जो संवेदनशील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो। लंबे समय से गोरखपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा था। यहां के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था। 5 साल पहले तक दिमागी बुखार की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज में भी जो रिसर्च सेंटर चलता था, उसकी अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। भाइयों और बहनों, आपने जब हमें सेवा का अवसर दिया, तो यहां एम्स में भी आपने देखा, इतना बड़ा एम्स बन गया। इतना ही नहीं, रिसर्च सेंटर की अपनी बिल्डिंग भी तैयार है। जब मैं एम्स का शिलान्यास करने आया था, तब भी मैंने कहा था कि हम दिमागी बुखार से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने पर भी काम किया और इसके उपचार भी। आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। इससे दूसरी संक्रामक बीमारियां, महामारियों के बीच उसके बचाव में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी।